हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आप सबको पता है आज बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और इसके 14वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो बिना समय गवाए हुए आप ढूंढिए नोटबुक और पेन, जल्दी से तैयार होइए, मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए एमसीक्यूज को आपके सामने रखते हैं। आपको पता है कि हर एक एपिसोड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंग्लिश इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है और आज के एपिसोड में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट लगे, नया लगे, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, मिस ना हो और सेशन छूटे ना। लाइक और शेयर करने में आप लोग अव्वल दर्जे के कंजूस हैं या फिर पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आई डोंट नो। वो मेरा है ना, जो देखे उसका भी भला, जो ना देखे उसका भी भला। हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं हर दिन वीडियो लेकर के आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। कभी ना कभी तो पढ़िएगा ही, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, पता भी नहीं चला कैसे एक से शुरू हुआ था 14वां एपिसोड आपके सामने रख रहा हूं और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, ऊपर वाले की कृपा ऐसे ही बनी रही, तो इसके जितने संभव एपिसोड हो पाएंगे हम आपके सामने जरूर रखेंगे। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है और मुझे लगता है कि इसका जवाब देने में आप सक्षम रहे होंगे, और अगर जवाब नहीं भी दे पाए हैं तो बारी है इस शब्द को सीखने की। यहां पहला है ट्रेट, इसका मतलब होता है अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ योर पर्सनल नेचर, है ना। डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ योर पर्सनल नेचर यानी विशेषता, ट्रेट का मतलब। अगला जो वर्ड है इडियोसिंक्रेसी, इसका मतलब है अ बिहेवियरल एट्रीब्यूट दैट इज डिस्टिंक्टिव एंड पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। अब यहां पर देखिए पिक्यूलियर हैबिट की बात कर रहा है, यहां पर भी पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल कह रहा है, तो कहीं ना कहीं से मीनिंग में एक सिमिलैरिटी दिख रही है यहां पर। फिर भी हम आगे जो शब्द है उसको देखेंगे। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है सनक या अवांछनीय आदत, ठीक है। इडियोलेक्ट का मतलब है द लैंग्वेज और स्पीच ऑफ वन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर पीरियड इन लाइफ। देखिए हर व्यक्ति की जो बोलने की कला होती है, उनका जो स्पीच होता है ना, वो अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत वाकपटु होते हैं, कुछ लोगों की स्पीच बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग बहुत अजीब तरीके से बोलते हैं। तो ये होता है उनके नॉलेज, उनके बैकग्राउंड, उनकी जो पढ़ी लिखी जानकारी है जो उन्होंने गैदर की है अपने लाइफ टाइम में, तो उसके आधार पर ये निर्भर करता है कि उनकी भाषा शैली क्या है, उनका स्पीच कैसा है, उसको कहते हैं हम इडियोलेक्ट। अब इसका मतलब है हिंदी मिल नहीं रहा था और हिंदी मिलता भी नहीं है, आप इतने से समझिए कि यहां पर मैंने निज भाषिका लिखा है। कह रहा है द लैंग्वेज और स्पीच ऑफ वन इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति किसी का भी, कह रहा है एट अ पर्टिकुलर पीरियड इन लाइफ, मतलब जीवन के किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो उनकी अपनी जो एक भाषा है, जो उनका स्पीच है, जो उनका लैंग्वेज है, उसको कहते हैं इडियोलेक्ट, ठीक है। और इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या है कि अ बिहेवियरल एट्रीब्यूट दैट इज डिस्टिंक्टिव एंड पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। अगला क्या है टैलेंट, बहुत कॉमन है जानते हैं, नेचुरल एबिलिटीज और क्वालिटीज और अ पर्सन हु पजेसेस अनयूजुअल इनेट एबिलिटी इन सम फील्ड और एक्टिविटी, जिसको प्रतिभा कहते हैं, बुद्धि कौशल कह सकते हैं, है ना, जानते हैं प्रतिभावान व्यक्ति को भी कहते हैं, एक टैलेंट है वो। तो यहां पर जो चारों शब्द को देखने के बाद सही आंसर दिख रहा है वो है इसका आंसर नंबर बी। पहला है ट्रेट, इसका मतलब होता है विशेषता। इडियोसिंक्रेसी का मतलब है सनक या अवांछनीय आदत। पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल है वो क्या कि भाई बिहेवियरल एट्रीब्यूट है,
दैट इज डिस्टिंक्टिव एंड पिक्यूलर टू एन इंडिविजुअल. फिर है इडियोलेक्ट का मतलब है कि एक जीवन काल में किसी भी व्यक्ति की जो भाषा शैली होती है उसके लिए यहां पर है. और टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा से. चलिए लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब. चले समय समाप्त हो गया है. कह रहा है वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी. मतलब वैसा इंसान जो किसी के लिए कोई काम करे. और कैसे करे? पैसे के लिए. मुफ्त में नहीं. कैसे? पैसे के लिए. क्या कह रहा है? वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी. पहला है मर्सेनरी. इसका मतलब होता है अ पर्सन हायर्ड टू फाइट फॉर अनदर कंट्री देन देयर ओन और सर्विंग फॉर वेजेस इन फॉरेन आर्मी. है ना, किसी को हायर किया जाता है. ठीक है, किराए का सैनिक कहते हैं मर्सेनरी. आगे भी हम देखते हैं रिक्रूट अ न्यू मेंबर सपोर्टर एज इन आर्म फोर्स और सीक टू एम्प्लॉय. नया सदस्य कहते हैं या भर्ती करने को कहते हैं रिक्रूट. हुडलम का मतलब होता है एन एग्रेसिव एंड वायलेंट यंग क्रिमिनल. गुंडा या उग्र व्यक्ति कहते हैं. मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेस पर्सन एंगेज इन रिटेल ट्रेड. व्यापारी या सौदागर कहते हैं. तो इस चार में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन दिख रहा है वो मर्सेनरी यहां पर दिख रहा है. किराए का सैनिक कह भी रहा है कि उसको किसी भी काम के लिए पैसे पर जो किरा हायर किया जाता है. तो यहां पर भी कह रहा है पोर्शन हायर टू फाइट फॉर अनदर कंट्री देन देयर ओन और सर्विंग फॉर वेजेस इन अ फॉरेन आर्मी. मतलब है किराए का सैनिक. मर्सेनरी कहते हैं. रिक्रूट जानते हैं, नया सदस्य होते हैं या भर्ती करना कहते हैं. हुडलम का मतलब होता है गुंडा या उग्र व्यक्ति. बड़ा ही अच्छा शब्द है, इसको याद रख सकते हैं प्रत्येक दिन. ऐसे जो भी शब्द मैं यहां पर लेकर के आ रहा हूं सबके सब इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव. बहुत सारे बच्चों को शिकायत है ना, बहुत सारे बच्चे मन में ये गांठ बांध करके चल रहे हैं, अरे ये तो वन वर्ड ऑप्शन है, ये तो एसएससी में पूछता है, सीएचएसएल में पूछेगा, सीजीएल में पूछेगा, मेरे को तो बैंक में आएगा नहीं, बैंक में जापानीज पूछेगा. ठीक, नहीं तो पूछेगा तर भोजपुरी काबा लिखना. अरे भाई ये शब्द है, किसी भी जगह आ सकता है. अगर किसी सेंटेंस में इस शब्द की चर्चा होगी कि माय फ्रेंड इज अ हुडलम तो क्या कहोगे? मुझ जाओगे? भाई समझो कि शब्द जो है वो हर एक पर्सपेक्टिव में किसी भाषा के लिए बहुत जरूरी है. और 15 मिनट इतना भारी है, सीखना भी है, नौकरी भी चाहिए, समय भी नहीं देना है. आप जादूगर हैं, लगे रहिए. चलिए यहां पर मर्चेंट का मतलब क्या है? व्यापारी, सौदागर. हुडलम का मतलब क्या है? गुंडा या उग्र व्यक्ति. रिक्रूट का मतलब है नया सदस्य या भर्ती करना. तो यहां जो मेरा आंसर दिख रहा है वो है इसका ए, मर्सेनरी. मतलब होता है किराए का सैनिक. है ना, कि वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी. है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब. चलिए समय समाप्त हो चुका है. कह रहा है चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर. वैसा बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद जन्म ले. अब यहां है पहला आर्केन. इसका मतलब होता है रिक्वायरिंग सीक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज या फिर सीक्रेट एंड मिस्टीरियस एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मतलब है गुप्त या रहस्यपूर्ण. अब रहस्यपूर्ण क्यों कहा? चूंकि गुप्त है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, समझने में परेशानी है, तो वो रहस्यपूर्ण हो गया. सिंपल सा है, आर्केन का मतलब है गुप्त या रहस्यपूर्ण. प्रीमैच्योर का मतलब होता है अनकॉमनली अर्ली और बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम और टू सून और टू हेस्टी. मतलब है कि जो समय से पहले हो जाए, मतलब एक जो समय सीमा है उससे पहले. प्रीमैच्योर का मतलब है मैच्योर होने से पहले. अब है पैटर्नल, है ना, बिलोंगिंग टू और इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर. है ना, पिता के पक्ष का. अब है पॉस्टमस. पॉस्टमस का मतलब होता है अकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर पर्सन्स आफ्टर अ पर्सन्स डेथ, यानी मरणोपरांत. तो इसमें आर्केन भी इसका आंसर नहीं है, प्रीमैच्योर भी नहीं है, पैटर्नल भी नहीं है. यहां दिख रहा है कि कह रहा है अकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस में आने का मतलब क्या है? जन्म लेना.
अब किसी के मरने के बाद, तो भैया यहां पर मरने मतलब पिता की चर्चा, तो सिंपल है कि इस चार में से जो इसका आंसर है वो है पोस्टमस। क्या है? हाँ, पोस्थोमस नहीं पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? डी, पोस्टमस। पोस्टमस का मतलब होता है अकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ पर्सन्स डेथ। आर्केन एक अच्छा शब्द है, गुप्त या रहस्यपूर्ण, प्रीमेच्योर जानते हैं, पैटर्न जानते हैं। इसमें दो शब्द आपको बिल्कुल ही फ्रेश मिला, पहला आर्केन और एक आखिरी वाला पोस्टमस। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल, मतलब है कि जो अल्कोहल से बचता है, उससे दूर रहता है, यानी शराब नहीं पीता है। तो पहला है टीटोटलर। टीटोटलर का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल और समवन हु एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी पूर्ण त्याग जो है मद्य त्यागी, यानी किसी भी प्रकार का जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ नशा है वो नहीं करता है, उसको कहते हैं टीटोटलर। क्या कहते हैं? टीटोटलर। चलिए अगला है ड्रंकर्ड, मतलब होता है अ पर्सन हु ऑफन ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल। अ पर्सन हु ऑफन ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल का मतलब है ड्रंकर्ड। उसके बाद है अल्कोहलिक, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल और कंटेनिंग अल्कोहल, मतलब है अल्कोहलिक कहते हैं। और इम्पोस्टर, ये भी पियक्कर शराबी है। और इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, जो कि अपने ऊपर पोस्टर लगा ले, है कौआ दिखे बगुला। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंसान मिलेंगे, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो वो कौन कहलाएंगे इंग्लिश में? इम्पोस्टर। है क्या आपके ग्रुप में कोई? लिख के बताइएगा, नाम नहीं लिखना है। चलिए, अ पर्सन हु मेक्स डिसिटफुल प्रिटेंसेस और अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, मतलब है कि वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो कोई दूसरा है, ट्रिक करने के चक्कर में किसी दूसरे को ट्रिक करे, उसको फंसाए, मतलब होता है ढोंगी या पाखंडी कहते हैं इंपोस्टर। तो यहां पर जो इसका आंसर है वो है टीटोटलर। आंसर है ए, वो वैसा इंसान जो बिल्कुल किसी भी प्रकार का अल्कोहल से जुड़ा हुआ नशा नहीं करता है, है ना, पूर्णतया मद्य त्यागी। टीटोटलर। ड्रंकर्ड का मतलब होता है पियक्कर या शराबी। अल्कोहलिक बहुत कॉमन शब्द है, सबको पता है। और इंपोस्टर का मतलब होता है ढोंगी या पाखंडी या बहरूपिया। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ और हमारा सफर भी अंतिम पड़ाव को पार कर गया है। देखते हैं, कह रहा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, है ना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है द फ्रॉडुलेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और प्रॉपर्टी इंट्रस्टेड टू योर केयर बट एक्चुअली ओन बाय समवन एल्स। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है फंड की गड़बड़ी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। द फ्रॉडुलेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और प्रॉपर्टी इंट्रस्टेड टू योर केयर बट एक्चुअली ओन बाय समवन एल्स, यानी गबन। छल हरण का मतलब है छल से हरना। देखो इतनी कठिनाई वाली हिंदी है ना, तो छोड़ दो हिंदी, उस दिन से पढ़ना जिस दिन से इसका हिंदी बताना। ये है बॉटल, हम खोजे हैं, इसका हिंदी नहीं मिला हमको, कोई बता सको बताना बोतल हिंदी बॉटल का क्या होता है? अगर इसका कोई हिंदी ढूंढेगा तो उस दिन से हम भी पढ़ाएंगे डॉग मने कुत्ता, ठीक, लव मने प्यार करना, ऐसा नहीं है, तो छोड़ दो। इंग्लिश समझो, इंग्लिश में ही याद करो, अच्छे से समझना है तो अच्छी डिक्शनरी रखो, साहनी और भार्गव को कहो जय श्री राम, नहीं तो अंग्रेजी का हो जाएगा राम नाम सत्य है। समझो इस बात को, समझो इस बात को कि यहां पर इंग्लिश इंग्लिश के आधार पर ही चलाया जा सकता है, उसको हिंदी की बैसाखी की जरूरत
नहीं है, ध्यान देना। या सीधा कह रहा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, कह रहा द फ्रॉडलेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। फ्रॉडलेंट का मतलब फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब कहीं ना कहीं ठगी से है, तो सीधा सीधा आ गया कि भैया गबन से है। तो मेरा आंसर तो दिख रहा है, लेकिन बाकी ये सब भी देख लेंगे। से पता है आपको रॉबरी का मतलब क्या होता है, लार्सनी बाय थ्रेट ऑफ वॉयलेंस और फ्लंडरिंग ड्यूरिंग रॉयट्स और इन वॉर टाइम, मतलब होता है डकैती या लूटपाट। थेफ्ट का मतलब चोरी से होता है, द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन अनलॉफुली, जहां पर हम लॉ के विपरीत जाकर किसी का कुछ ले लेते हैं उसको चोरी कहते हैं। फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनल डिसेप्शन रिजल्टिंग इन इंजरी टू अनदर पर्सन और अ पर्सन, या अ पर्सन हु मेक्स डिसीटफुल प्रिटेंसेस, है ना। मतलब है फ्रॉड का मतलब है धोखाधड़ी के लिए कुछ ऐसा करें जिससे दूसरे को हानि पहुंचे, उसको फ्रॉड कहते हैं। तो यहां पर जो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है वो है एम्बेजलमेंट, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड मतलब होता है एम्बेजलमेंट, यानी कि गबन। तो इसमें तो एक ही है, रॉबरी आपको पहले से पता है, थेफ्ट आपको पहले से पता है, फ्रॉड आपको हिम्मत करना कि नहीं पता है। अब इतना नहीं पता है बहुत दिक्कत है भाई, तब इंग्लिश में बहुत बेसिक में गड़बड़ी, तो पेपर पढ़िए शुरू से, ठीक है। तो यहां पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मतलब क्या है, एम्बेजलमेंट। चलिए, उम्मीद तो यह है कि आज का ये छोटा सा सेशन जिसमें 5 MCQs और सारे दिन की तरह रखे मैंने, लगभग शब्द आपके लिए नए होंगे, अच्छे अच्छे शब्द आपको सीखने के लिए मिले और ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज बिताने का, बहुत जल्द इस तरह के इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, बिना रिविजन किए हुए अभी जाना नहीं है, अभी आपका काम है कि पिछला 13 एपिसोड को रिविजन कर लीजिएगा, हाँ याद रहेगा नहीं तो भूल जाइएगा। तब तक के लिए लर्निंग्स विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।